प्रतीक और जिशान में हुई हाई वोल्टेज फाइट, बिग बॉस ने लगाई फटकार। बिग बॉस ओटीटी में रेड फ्लैग टास्क के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। प्रतीक और जिशान के बीच हाई वोल्टेज फाइट देखने को मिली है, जहां दोनों एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। बिग बॉस के घर में हाथापाई अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे से ना सिर्फ उलझते बल्कि जबरदस्त तरीके से हाथापाई करते दिखाई दिए हैं। आखिरकार बिग बॉस को बीच बचाव करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि टास्क सूझबूझ और समझदारी से आप सदस्यों को खेलने के लिए दिया गया था, लेकिन आप लोग इसमें उलझकर हाथापाई पर उतर आए हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बिग बॉस को बीच बचाव के लिए इस फाइट में आना पड़ा और बिग बॉस ने आते ही घर के सभी सदस्यों को फटकार लगाई। इसके अलावा ये भी बताया कि ये टास्क आप लोगों को खेलने के लिए दिया गया था, लेकिन आप लोग हाथापाई पर उतर आए, यहाँ तक कि घर के सदस्यों को फटकार भी लगाई और ये भी कहा कि आगे से आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। टास्क के दौरान जिशान और प्रतीक के बीच एक दो बार नहीं बल्कि कई बार हाथापाई देखने को मिली। जिशांत निशांत भट्ट से भी उलझते नजर आए और निशांत से भी हाथापाई करते दिखाई दिए हैं। अब देखना ये होगा कि इन तीनों ही सदस्यों को हाथापाई के लिए दंड मिलता है या फिर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। आपको बता दें कि घर में इस समय टास्क चल रहा है और टास्क के नियमों के मुताबिक दिव्या और जिशांत टास्क में नए नियम को बना सकते हैं और उस नियमों को मार्कर द्वारा बोर्ड पर लिखकर घर के सदस्यों को बताना है, जबकि प्रतीक और निशांत ने मार्कर को कहीं छुपा दिया था। इस वजह से दिव्या रूल तो बना रही थी, लेकिन उसे बिना लिखे लोगों को सुनाकर समझा रही थी, जो कि नियम के मुताबिक नहीं था। और इसी बात को लेकर जिशान प्रतीक में बहस शुरू हुई और ये बहस मारपीट तक पहुँच गई। आपको बता दें कि टास्क के दौरान निशांत और प्रतीक झंडा तोड़ते और उसे स्विमिंग पूल में बहाते भी नजर आए थे। बिग बॉस ओटीटी से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।